हेलो फ्रेंड, नाश्ता सभी बनाना चाहते हैं और नाश्ते बनाने के साथ साथ उसे हेल्दी भी बनाना चाहते हैं, तो आज उसी तरह का हम नाश्ता बनाकर करेंगे तैयार। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और बिना ऑयल के ही हम इस नाश्ते को तैयार करेंगे। और उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन अब इसमें हम 50 ग्राम हमने सोयाबीन की बड़ी ले ली हैं और अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे जिससे सोयाबीन जल्दी फूल जाए। और अब इसे हम 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना सोयाबीन चेक कर लेते हैं। सोयाबीन डबल हो चुकी है, खूब खूब अच्छी तरह फूल गई है। अब हम इसे निचोड़ लेंगे, इसमें पानी नहीं रखेंगे और इसी तरह मैं सारी बरियों को निचोड़ कर लूँगी तैयार। अब डायरेक्ट हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसी में इन बरियों को डाल देंगे। इसी तरह मैं सारी बरियाँ निचोड़ कर लूँगी तैयार। अब सारी बरी मैंने निचोड़ ली है और ढक्कन लगाकर अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। अब इस तरह मैंने सारी बरियाँ पीस ली हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम सब्जियां डाल लेंगे। एक लिया है मैंने शिमला मिर्च, जो बारीक बारीक काट ली है। एक लिया है टमाटर, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और तीन लिए हैं मैंने हरी मिर्च, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली। सब्जियां आप इसमें और भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। प्याज भी डाल सकते हैं अगर प्याज खाते हैं। और आधा कप लिया है मैंने बेसन, 2 चम्मच लिया है चावल का आटा। और अब इसमें हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच चाट मसाला लिया है और 1/2 चम्मच जीरा लिया है खड़ा, 1/4 चम्मच काली मिर्च ली है कुटी हुई, 1/4 चम्मच हींग ली है और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी क्रश करके डाली है। अगर आपके पास धनिया है तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं। अब इसमें हम मिला लेंगे। हमें पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, इसी सोयाबीन की बरी में हमारा मिल्क बनकर डो हो जाएगा तैयार। इस तरह का नाश्ता आप बनाकर देखें, बहुत ही हेल्दी होगा, टेस्टी भी होगा, बिना ऑयल के भी तैयार होगा, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है। अब इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आएगा। अब इस तरह मैं मिलाकर और कर लूँगी तैयार। पानी नहीं लगाना है आपको बिल्कुल, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसी तरह मैं सारी चीज़ मिला लूँगी और इसे एक चिकना बनाकर तैयार कर लूँगी। अब ये सारी चीज़ें सब्जियाँ मिल गई हैं और अब इसे मैं हाथ धोकर और इसे एक प्लेट ले ली है, हाथ धो लिए हैं मैंने। अब इस जो हमने तैयार करा है डो, उस पर फैला लेंगे। आप कोई भी आकार में फैला सकते हैं, मैं गोल आकार में ये फैला कर लिया है तैयार। और इस तरह मैंने सेट कर लिया है। बर्तन पर आप ऑयल ज़रूर लगाएं। और इधर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, उसमें भी उबाल आने लगा है। अब इसे हम ढककर और स्टीम करने के लिए 15 से 25 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे खूब अच्छी तरह से टाइट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है चाकू पर, तो बहुत अच्छी तरह से ये पक गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो गया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से पीस बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको बनाने हैं। और इस तरह आप इन्हें कटिंग करके स्टोर भी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख लें। बहुत अच्छी तरह से कट गया है और बिल्कुल भी चिकना चिपका नहीं है नीचे, बहुत अच्छी तरह से छुटकर पीस आ रहे हैं। और देखो ये बहुत सॉफ्ट भी है। और इसी तरह मैं सारे पीस को छुटा लूँगी।
अब इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब इसे हम थोड़ा सा तड़का देंगे। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाना और बच्चों को खिलाना, बड़ों को खिलाना, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच ऑयल लगा लिया है और एक चम्मच लगा ली है राई और एक चम्मच लगा लिए हैं तिल। ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्दी हैं तिल, तो आप तिल ज़रूर डालना। अब ये थोड़े से तड़कने लगे हैं, अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगा। अब ये भी हमारे तड़क गए हैं, अब हम इन्हें मैं एक एक पीस करके छोड़ देंगे। जितने आएंगे हम उतने पीस इसमें छोड़ देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और पलट लेंगे और दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे। आप ऐसे इन्हें स्टीम करके आप रख सकते हैं, सुबह को जल्दी जल्दी आप इनमें थोड़ा सा तड़का लगाएं और नाश्ता हो जाएगा फटाफट बनकर तैयार। बच्चे हो बड़े हो, सभी को बहुत पसंद आने वाला नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना, वो बहुत ही टेस्टी भी है और सब्जियां आप इनमें और भी मिला सकते हैं जो आपको पसंद है। अब 2 मिनट हो गए हैं, ये नीचे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरह मैं अलट पलट कर सेक लिया, नाश्ता हो गया है बनकर तैयार। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे और मेरी मेहनत पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलो चलते हैं।